उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने भाजपा को घोटालों की सरकार बताते हुए कहा कि इस बार वो जनता के गुस्से का शिकार होगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। मेहरा ने कहा कि एक के बाद एक सरकार ने दर्जनों ऐसे घोटाले किए हैं जिससे उत्तराखंड की पावन धरा शर्मसार हुई है और उत्तराखंड हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस सरकार को इन घोटालों की जांच करानी पड़ रही है। काशीपुर में कांग्रेस की सभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भाजपा को घोटालों की सरकार बताते हुए कहा कि इस बार वो जनता के गुस्से का शिकार होगी। सरकार ने दर्जनों ऐसे घोटाले किए हैं जिससे उत्तराखंड की पावन धरा शर्मसार हुई है। उन्होंने कहा, हॉर्टिकल्चर के एक घोटाले में हाईकोर्ट ने सरकार के एक मंत्री की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। मेहरा ने कहा कि अंकिता भंडारी मर्डर केस, केदारनाथ में सोनी की चोरी, अग्निवीर योजना, भर्ती घोटाला समेत कई धांधलियों ने उत्तराखंड की जनता को निराश किया है। भाजपा की गलत नीतियों के कारण इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस का परचम लहराएगा। जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की रही है उसके बाद हमारी उम्मीदें बढ़ी है। दूसरी तरफ बीजेपी के जो कारनामे है उत्तराखंड में, कम से कम उनका हमको निश्चित ही लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी चाहे किसानों के मामले रहे हैं, गवर्नमेंट फेल रही है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के अपमान से लेके अग्निवीर योजनाओं की खराब रही है। हमारे यहाँ अंकिता भंडारी मर्डर केस आप सबने बहुत अच्छी प्रमुखता से देखा है, जोशीमठ का विषय है, केदारनाथ में सोने की चोरी है, तीन केसेस लगातार ऐसे हो गए हैं जिनको हाईकोर्ट के इंटरवीन करने के बाद सरकार को सीबीआई जांच बैठानी पड़ी है। चाहे वो हरिद्वार का पार्किंग का मैटर है, चाहे वो कॉर्बेट के अंदर पेड़ों के कटान का मामला है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।